बेल जी भाई, जैविक कृषि तकनीक के अंतर्गत आज हम आपको हरड़ रसायन बनाना सिखाएंगे। ये रसायन सीखने के पहले आप हमारा YouTube चैनल जैविक किसान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको समय से हमारी वीडियो मिलता रहे। ये हरड़ रसायन जो है बनाने के लिए हमको आधा किलो हर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे 5 लीटर गौमूत्र में हमें कुचलकर डालना है। 15 दिन में ये तैयार हो जाता है। छान के इसे रख लें, 3 वर्ष तक यह खराब नहीं होता है। अब आप कहेंगे हरड़ क्या है, तो हरड़ जो है आंवला, हर, बहेड़ा, त्रिफला आपने नाम सुना होगा। उसमें 3 जो है फल होते हैं, उसमें ये हर भी एक फल है। ये हर का पेड़ है और बड़े फल इसके आते हैं। अभी इस समय ये फल बरसात में फलता है। अभी ये मिलेगा आपको अक्टूबर नवंबर तक। इस फल को आपको कुचल करके, तोड़ करके और कुचल कर गौमूत्र में डालना है। तो ऐसे पेड़ आप अपने खेतों में लगा दें। हमने अपने खेत में एक पेड़ लगाया हुआ है और हर वर्ष हम इसका जो है हरड़ तोड़ते हैं। अभी धान में भी हमको काम आता है और चना और गेहूँ की फसल में भी स्प्रे करने के लिए काम आता है। इसके स्प्रे करने से इल्लियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि जहाँ हरड़ तत्व की पूर्ति होगी, आयरन तत्व की जहाँ पूर्ति होगी, हरड़ पर्याप्त होगा, कसैला रस पर्याप्त होगा, वहाँ पर इल्लियाँ नहीं आती हैं। तो ये देखिए, हमने हरड़ को तोड़ करके, ये 200 लीटर गौमूत्र है, इसमें हमने 20 किलो के आसपास हरड़ डाला हुआ है। ये इस तरह से तैयार हो गया है और इसको अब हम जो है छान करके स्प्रे कर सकते हैं। इसको छान कर रख दें धीरे धीरे और इसका रंग गाढ़ा काला होना शुरू होता जाएगा। पूरी तरह से ये काला हो जाता है इस तरह से। तो अब इसको छान कर रख लें और आधा लीटर प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में आधा लीटर हरड़ रसायन ये आपको डालकर स्प्रे करना है। स्प्रे करने से पत्तियों में उसमें डार्कनेस, जो उसमें जो हरापन है, वो बढ़ जाता है और जिस पत्ती में ये हम डालते हैं उसमें बीमारी भी नहीं आती। विशेषकर इल्ली कोई अंडे नहीं देती है, तो यह आयरन की भी पूर्ति करता है और इल्लियों को भी आने नहीं देता। तो ये बहुपयोगी है। और इस समय पे बाली निकलते समय विशेषकर आयरन तत्व तो पौधे को चाहिए और इसी समय चने में इल्लियाँ भी आती है, तो ये सब तरह से हमारे पौधे की बचाव करता है। चलिए, हम आपके जो है बहुत अच्छी खेती की शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।